शहर के प्रसिद्ध आराध्य भगवान गोविंद देव जी मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंद देव जी जिन्हें जयपुर के आराध्य के रूप में पूजा जाता है, यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यूँ तो पूरा जयपुर ही कहीं ना कहीं राजसी छवि का प्रतिबिंब ही है, लेकिन जैसे ही आप परकोटा इलाके में पहुँचते हैं तो लगता है कि जयपुर के महाराज के दरबार में जा रहे हैं। बड़े से घुमावदार दरवाजे से सिटी पैलेस में प्रवेश, दोनों ओर पूजा सामग्री पोशाक आदि की दुकानों पर लगी गोविंद देव जी की बड़ी छोटी तस्वीरों को देख एकदम अपने आप की तेजी से चला लेते हैं, क्योंकि जो छवि तस्वीरों में मन को मोह रही है वो वास्तव में कैसी होगी, ये ललक भक्तों को खींच कर ले जाती है। गोविंद देव जी के द्वारा परिसर में 2 से 4 लाइन लगी रहती है। वहीं हम आपको बता दें कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं प्रसिद्ध भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भजन गाकर भक्तों को आनंदित किया। अनूप जलोटा ने सर्वप्रथम राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भजन गाया, जहां भक्त जन भजन सुनकर झूम उठे। वहीं गोविंद देव जी मंदिर पर हमेशा की तरह भक्तों का भगवान गोविंद देव के दर्शन करने के लिए एकाधिक भक्त आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, जहां हम आपको बता दें एक ऐसे प्रसिद्ध कलाकार जो भारत के भजन सम्राट जिसे कहा जाता है, अनूप जलोटा आज भजन संध्या के अंदर या कार्यक्रम के अंदर पहुँचे और वो आज भजन गा रहे हैं। हम आपको बता दें आज देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है जो यहाँ भजन सुनने के लिए आए, उनसे हम जानेंगे। सर, आप भजन सुनने के लिए आए, उनके लिए कुछ बताएंगे? सर क्या बताओ, आज आप क्या भक्ति लेकर आज पहुंचे हैं गोविंद देव जी के? भगवान के दर्शन करने थे, मेरे को दर्शन करने पहुंचे हैं, तो भक्ति के अंदर आप लीन नजर आ रहे हैं। भक्ति बहुत अच्छा, भगवान को कैसा सुकून मिलता है आपको? बहुत अच्छा। तो आज भजन भी हो रहा है, आज भजन सुनने के लिए भी आए। हाँ, चलिए और भी एक महिला हमसे जुड़ी है, महिला से भी हम जानेंगे। मैडम आप बताएंगे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बट अभी तो मंदिर बंद है, शाम में आएंगे। अंजलि जी ये बताएंगे, आज भजन का कार्यक्रम भी रखा गया है यहाँ। हाँ जी, तो भजन सुनने के लिए बैठेंगे आप? अभी तो नहीं, मैं शाम में आऊंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे देखना है थोड़ा कैसा है। बड़ी कामनाएं आपकी पूरी होती है यहाँ। ओके, मुझे पता नहीं है वैसे, बट मैंने सुना है इसके बारे में, तो इसलिए मैं आ रही हूँ यहाँ पे। चलिए, मंदिर है यहाँ, मैं पिछले 40 सालों से गा रहा हूँ, यही की शक्ति है जो मुझे ऊर्जा देती है। मंदिर के गोविंद जी के मंदिर में दर्शन करने की भी आए और भजन सुनने के लिए भी आए। आज कौन आया आपको जानकारी है? हाँ, अनूप जलोटा जी आए, जो अपनी भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध भजन सम्राट है। वो आज आए, आप जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं ना। तो ये थे हमारे साथ है जो श्रद्धालु, जिन्होंने बताया कि हम हमारी भक्ति लेकर यहाँ पहुँचते, हमारी कामना यहाँ लेकर पहुँचते, और आज इस कार्यक्रम में हम भी शामिल हुए। और इसके अंदर हम आपको बता दें, आज देश के जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत है, आज भैरव सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि का एक आयोजन किया गया है, जहाँ उन्हीं के परिवार से नरपत सिंह राजवी भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की। सहयोगी प्रसन्न कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।